सनातन धर्म में बहुत सारी क्रियाएं, धर्म और पूजा पाठ बताए गए हैं। ये परंपराएं ऐसे ही नहीं बनाई गई हैं, हर परंपरा के पीछे कुछ ना कुछ वैज्ञानिक तथ्य भी होता है और फायदा भी होता है, जैसे सूर्य को जल चढ़ाना, पक्षियों को दाना देना और बड़ों के पैर छूना, माथे पे तिलक लगाना, इन सब चीज़ों का कुछ ना कुछ वैज्ञानिक कारण ज़रूर रहता है। और आज इसी प्रथा में हम एक और चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, वो है हाथ पे लाल पीले कलावे को बांधना। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर हम अपने हाथ पे कलावा बांधते हैं तो हमें उसके भी बहुत सारे फायदे होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है वर्षा चावला, आई एम ए रेकी हीलर एंड ए टैरो कार्ड रीडर और साथ ही साथ एक न्यूमेरोलॉजिस्ट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कलावा बांधने से हमें क्या क्या और कैसे फायदे होते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि लास्ट में मैं बताने वाली हूँ कि कलावा लेफ्ट हैंड में बांधना है या राइट हैंड में। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस और कमेंट तो आप ज़रूर ही करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजते हैं। थैंक यू सो मच। तो अब हम बात करते हैं कलावे की। इसकी शुरुआत माँ लक्ष्मी ने और राजा बलि ने की थी। इसको रक्षा सूत्र भी बोला जाता है। कलावा हम अपने हाथ पे जब बंधवाते हैं तो हमें एक बहुत ही पॉजिटिविटी फील होती है। जब भी हम अपनी ज़िंदगी में कोई नया काम शुरू करते हैं, घर बनाते हैं, घर में कोई पूजा होती है, घर में माता रानी का जागरण होता है या किसी भी तरह की हम पूजा करवाते हैं, तो पंडित जी हमारे हाथ पे कलावा बांधते हैं और हमें तिलक लगाते हैं। इवन हम लोग जो नॉर्थ साइडर्स होते हैं, हम लोगों के अंदर एक चीज़ होती है, हम कोई भी नया व्हीकल लेते हैं, चाहे हम साइकिल लें, चाहे हम स्कूटर लें, चाहे हम गाड़ी लें, तो वो भी हम पहले मंदिर लेके जाते हैं पंडित जी से, उस पर भी कलावा बंधवाते हैं और अपने हाथ पे भी बंधवाते हैं। इसलिए इसे रक्षा सूत्र भी बोला जाता है। कुछ कुछ लोग इसको मोली भी बोलते हैं। इवन हम लोग अपने घर में नया फ्रिज भी लाते हैं, टीवी लाते हैं, तो उसकी भी स्वास्तिक लगाकर हम लोग पूजा करते हैं। तो हम इन चीज़ों को इतना मानते हैं, लेकिन जब अपने यूज़ करने की बारी आती है तो हम कहीं ना कहीं जानते बूझते भी इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो अब इसको वैज्ञानिक दृष्टि के हिसाब से, बायोलॉजी के हिसाब से देखें तो यह हमें कैसे इफ़ेक्ट करता है। फ्रेंड्स, हमारी मोस्ट नसें जो हैं कलाई के अंदर, वो हमारे शरीर के सारे हिस्सों में जाती है। हमारे यहाँ की जो कलाई की नसें होती हैं, ये हमारे हार्ट से रिलेटेड होती हैं, हमारी बीपी से रिलेटेड होती हैं। तो जब हम यहाँ कलावा बांधते हैं तो वो हमारी नसों को हर वक्त प्रेस रखता है, एक एक्यूप्रेशर की तरह वो हमारे शरीर को ट्रीट करता है। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हमारे पूरी बॉडी में ब्लड को बैलेंस करता है। तो इससे क्या होता है कि हमें हाई बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में काफ़ी हद तक पॉजिटिव, मतलब हम ठीक रहते हैं अगर हम कलावे को रेगुलर अपने हाथ पे बांधते हैं। आपने देखा भी होगा बहुत सारे लोगों ने इतने इतने कलावे बांधे होते हैं, वो भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि एक कलावा अगर आप बांधते हैं तो 15 दिन तक उसका रिजल्ट रहता है। 15 दिन के बाद आपको उसे चेंज कर देना चाहिए, या तो आप उसको पौधों में डाल दो या उनको इकट्ठा करके आप कहीं बहा भी सकते हैं। वैसे तो आप उनको पौधों में डाल दो तो ज़्यादा बेटर है, क्यों नदियों के पानी को भी खराब करना, तो वो मिट्टी में अपने आप ही मल्सिफाई हो जाएगा। तो कोशिश करें कि आप अपने कलावे को हर 15 दिन में बदलें। कलावे को अगर आपको बांधना है तो जिस दिन को आप अपने लिए बहुत अच्छा मानते हैं, कई लोग शिव भगवान के भक्त होते हैं, कई बजरंग बली के भक्त होते हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग उस दिन अपने कलावे को बांधें और 15 दिन बाद उस कलावे को उतार के आप नया कलावा बांध सकते हैं। तो इस तरह से कलावा बहुत ही सिंपल सा सूत का बना हुआ धागा होता है। अगर सूत हमारे शरीर के साथ लगी रहे तो बहुत ही ज़्यादा हमें बेनिफिट होते हैं। कहते हैं, पुराणों में लिखा गया है, किताबों में मैंने भी पढ़ा है, कि जो लोग कलावा बांधते हैं या काला धागा बांधते हैं, पीला धागा बांधते हैं, तो कलावे में क्या होता है, तीनों भगवानों की, त्रिदेव की उनको पावर मिलती है, ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रोटेक्शन हमेशा उनके साथ रहती है, इसलिए इसको रक्षा सूत्र भी बोला जाता है। तो आप अब देखिए, आज से ही आपने अपने हाथ पे कलावा बांधना शुरू करना है और थोड़े से आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो अब बात आती है कलावे को बांधते कैसे। कलावे को आपने 3 बार लपेटना है और तीसरी बार जब वो पूरा होता है सर्कल तो आपने वहाँ पे नॉट लगा देनी है। तो ये होता है कलावे को बांधने का तरीका। ये नहीं कि आपने लपेटते ही जाना है, जस्ट
तीन बार आपने उसको लेयर बनानी है और आपने उसको बांध लेना है। तो और इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं, आप अपने ड्राइवर नंबर के अकॉर्डिंग, अगर किसी का ड्राइवर नंबर 9 है यानी कि वो मार्स उसको प्रेजेंट करता है लाइफ में, मार्स प्लैनेट के साथ वो जुड़ा हुआ है इंसान, तो आप फील करें कि आपकी एनर्जी कैसी है। मार्स, कुछ लोगों का अगर मंगल खराब हो रहा है तो उनको एंगर बहुत ज्यादा आता है, वो बात बात में गुस्सा करने लग जाते हैं, उनको कोई अच्छी बात में भी वो नेगेटिविटी ढूंढना शुरू कर लेते हैं, इसका मतलब उन्होंने अपने मार्स को कहीं डाउन कर दिया है। इसी तरह अगर आपका ड्राइवर नंबर 3 है तो आप जुपिटर प्लैनेट के साथ जुड़े हुए हैं, तो अब आप नोटिस करें कि आपका जुपिटर कहीं खराब तो नहीं चल रहा, मीन्स आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा या आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, आपके अंदर नॉलेज होगी आप उसको बोल नहीं पाएंगे या आपका पेट के पास से वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो ये भी खराब जुपिटर के लक्षण होते हैं। इसी तरह अगर आपने शनि के लिए नंबर 8 के लिए धागा बांधना है तो आप काले रंग का धागा बांध सकते हैं अपने हाथ पे, और जुपिटर के लिए आप येलो कलर का कलावा बांध सकते हैं। तो शनि के लक्षण आप कैसे देखेंगे, हद से ज्यादा आलस, मतलब दूसरों के साथ अच्छे से बात नहीं करना, अपने प्रोमिसेस पूरे नहीं करना, क्योंकि शनि देवता कर्म के देवता होते हैं, तो वो आपके कर्मा के अकॉर्डिंग आपको न्याय, आपके साथ न्याय करते हैं। तो अगर आप पहले जज करिए कि आपका कौन सा प्लेनेट है और कौन सा ड्राइवर नंबर है और वो आपको कहीं डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा, और अब बात करते हैं कि किस हाथ पे बांधना चाहिए। अगर आपको अपने प्लेनेट से, अपने ड्राइवर नंबर से पॉजिटिविटी चाहिए बहुत ज्यादा, आपका वो, आपको लगता है कि वो मेरे हिसाब से काम नहीं कर रहा है, प्लेनेट जो मुझे ड्राइवर नंबर मिला हुआ है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, आपको उससे पावर चाहिए, पॉजिटिव पावर चाहिए, तो आपने अपने राइट हैंड पे कलावा बांधना है, या येलो कलर का धागा या ब्लैक कलर का धागा जो भी है आपने वो राइट हैंड पे बांधना है। जब हमें किसी प्लेनेट की इंटेंसिटी को बढ़ाना है तो हम राइट हैंड पे कलावा बांधेंगे, और जब आपको लगता है गुस्सा ज्यादा आ रहा है, चीजें हद से ज्यादा हो रही है, ज्यादा आलस आ रहा है बॉडी में, तो हमारा सेटिंग कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो हमारा जुपिटर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, तो आप क्या कर सकते हैं लेफ्ट हैंड पे, क्योंकि हमें अपने प्लेनेट की इंटेंसिटी को कम करना है, तो हम लेफ्ट हैंड में कलावा बांधेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी कलावे को लेके हमारी नॉलेज कि हमें कलावा बांधना चाहिए, क्यों बांधना चाहिए, कैसे बांधना चाहिए और कब बांधना चाहिए। अगर आपको कोई भी डे समझ में नहीं आता तो आप अपने इष्ट देव के अकॉर्डिंग, अगर आप गणेश जी को ज्यादा मानते हैं तो आप बुधवार को कलावा बांध लीजिए, अगर आप शिव जी को ज्यादा मानते हैं तो आप मंडे को कलावा बांध लीजिए। कलावा किसी को कोई नुकसान नहीं देता है। हाँ, अगर आपको कुछ रीजन नहीं समझ आता तो आप लेफ्ट हैंड पे ही बांधे, ये ना हो कि आपका ड्राइवर नंबर बहुत अच्छे से प्लेनेट आपका काम कर रहा है और आप उसकी इंटेंसिटी को और ज्यादा बढ़ा दें, तो आप लेफ्ट हैंड पे अपना कलावा बांध सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि काले रंग का धागा हम क्यों बांधते हैं और उसे कब कब बांधना चाहिए और कैसे बांधना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो आप जल्दी से मेरी वीडियो को देखें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। प्लीज खुश रहें, अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।